जैसा कि आपको पता है कि इस महीने में मतलब अप्रैल महीने में 13 तारीख की रात में बैंक ऑफ इंडिया के जो CMS कंपनी है, जो वॉल्ट ऑफिसर है, वो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए लेकर के वो अलग अलग ATM में पैसा डालने के लिए रात में वो कार्रवाई कर रहे थे, उनकी जो SOP है उसके हिसाब से। और ये 4-5 ATM में पैसा डाला उन्होंने पनवेल साइड के। लास्ट में ये उलवे में एक बामन डोंगरी में उनका ATM है बैंक ऑफ इंडिया का, वहाँ पे पैसा डालने के लिए गए वो, और सारे लोग चले गए पैसा डालने के लिए, सिर्फ ड्राइवर कैशवैन के उसमें था। तो जो पैसा बचा हुआ था जो उसमें ATM में डालना था, वो पैसा लेकर के गाड़ी लेकर के भाग गया। इसमें हमारे पास रात में कंप्लेंट आई, रात में हमको बताया गया बैंक की तरफ से, बाकी जो उनके जो ये जो कैश डिस्ट्रीब्यूशन, जो कैश मैनेजमेंट जो लोग देखते हैं वहाँ पे, उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ किसी को। तुरंत हमारे जो NRI पुलिस स्टेशन के जो टीम है, सीनियर PI रविंद्र पाटिल हैं, PI भोरपड़े, API के खान और PSI भास्कर और उनके बाकी जो कर्मचारी अधिकारी हैं, हमारे जॉइंट CP एडिशनल CP और DCP क्राइम DCP जोन 1, इनके मार्गदर्शन में, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट केस था और हमने भी उसमें आदेश थे कि तुरंत मिलना चाहिए कैसे भी करके। सो काफ़ी जल्दी से इन्होंने टेक्निकल एविडेंस इकट्ठा करना, बाकी करना, इन्वेस्टिगेशन करना, तो 24 घंटे के अंदर हमको वो जो संदीप दड़वी करके जो ड्राइवर था उसको हमारी टीम ने अरेस्ट किया, और उसके पास से जो पैसा जो लेके भागा था 82,50,000, उसमें से 81,41,000 पैसा मिल गया, तकरीबन सारे पैसे हमको मिल गया उसमें। ये काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी अच्छा काम किया हमारी NRI पुलिस स्टेशन की टीम ने।